नमस्कार न्यूज 18 स्पेशल को स्वागत करुछि मु लक्ष्मी नारायण। गत किछि दिन हेबो राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर पलटिछि। एठि निश्वास नेबा प्रश्वास नेबा मध्य कष्टकर होइ पड़िछि। प्रदूषण मात्रा एते बढ़िछि जे लोके घरु बाहरिबा मुश्किल होइ पड़ुछि। आ प्रदूषण रोकिबाकु दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट रे सत्यपाठ दाखल करिछन्ते। दिल्ली को संपूर्ण लॉकडाउन घोषणा करिबा सपक्ष रे जुक्ति बाढ़िछन्ते केजरीवाल सरकार। एपटे केंद्र सरकार कहिछन्ते प्रदूषण रोकिबाकु नियाजिबा कठोर पदक्षेप। नड़ा जाड़ीबा द्वारा दिल्ली वायु हेउछि 10% प्रदूषित। शिल्प कारखाना धूली गाड़ी द्वारा 74% प्रदूषण होउथिबा कहिछन्ते केंद्र सरकार। सेपटे पावर प्लांट घरोई जानवाहन चलाचल कमेबा पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपरे अधिक गुरुत्व देबाकु जुक्ति बाढ़िछन्ते केंद्र सरकार। एहाकु नै आलोचना दिल्ली पवन रे विष। दिल्ली रे सांघातिक हेउछि प्रदूषण। आउ प्रदूषण रोकिबाकु दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट रे सत्यपाठ दाखल करिछन्ते। दिल्ली को संपूर्ण लॉकडाउन घोषणा करिबा सपक्ष रे जुक्ति बाढ़िछन्ते केजरीवाल सरकार। एने सुप्रीम कोर्ट को तीन जनिया खंडपीठ रे सुनाणी होईछि। प्रधान विचारपति जस्टिस एन भी रमन्ना, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ एवं जस्टिस सूर्यकांतक अध्यक्षता रे सुनाणी होईतिला। आउ प्रदूषण को नै राजनीति न करिबाकु कहिछन्ते खंडपीठ। एपटे किंतु प्राथमिकता रहिब किभली भाव रे दिल्लीर प्रदूषण को कम करिबा, विशेषकर जुग्म अजुग्म फर्मूला, लॉकडाउन, दिल्ली भितर को ट्रक प्रवेश उपरे रोक लगेबा भली पदक्षेप उपरे गुरुत्वारोप करा जायछे। तबे नड़ा जाळीबा द्वारा जो प्रदूषण होउछि कथा कहा जाउथला एवं एहा द्वारा केते प्रतिशत प्रदूषण होइछि ताहा मते स्पष्ट होइछि। अर्थ मात्र 10% प्रदूषण होउथबा कहिछन्ति सुप्रीम कोर्ट। किंतु शिल्प कारखाना धूली गाड़ी द्वारा 74% प्रदूषित होता कहते केंद्र सरकार। यदि पावर प्लांट कथा कह घर जानवाहन चलाचल कथा कह कमे दरकार पड़ी, विशेषकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपर गुरुत्व दिजा दरकार पड़ी। अर्थात पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मध्य गुरुत्व दिजा आवश्यकता पड़ी। जदिव दिल्ली सरकार अनेक पदक्षेप नहीं, वर्क फ्रॉम होम कथा कहतु, यथासंभव ऑफिस न आसवापी कहुई, एवं लॉकडाउन सपक्ष में दिल्ली सरकार जुक्ति बाढ़ी। यह भितर आसतु देखने प्रकृत में आलोचना करवा आम सह अच्छा डॉक्टर जयकृष्ण पाणिग्राही सर, अच्छा परेशविद, एवं फोन में जोड़ी हे डॉक्टर अशोक चौधरी, वरिष्ठ चिकित्सक जे दिल्ली बासिंदा। डॉक्टर पाणिग्राही सर, आपन को आलोचना को स्वागत करुच्छे। प्रथम आम जानवा चाहिए, आम किसी दिन तले ये दिल्ली प्रदूषण को नहीं आलोचना करुले, दिल्ली वायु विष बर्तमान यह उद्वेगजनक स्थित पहुँची गला। आपत देखु बर्तमान इमित स्थित है, लॉकडाउन सपक्ष में दिल्ली सरकार जुक्ति बाढ़ी यदि प्रदूषण को कमेबा आवश्यकता रही। आप कौन प्राथमिक प्रतिक्रिया रही बा? परिस्थिति अत्यंत गंभीर रही वर्तमान। दिल्ली रो वायुमंडल जो भाई भाव में प्रदूषित हो सारी ये आज घटना नुहे, अनेक वर्ष धरिकी आम देखि आसुचे। विभिन्न उत्सर प्रदूषित पदार्थ वायुमंडल को निर्गत हो, विशेष भाव नवेम्बर मसरे दीपावली ठीक परवर्ती समय रे जेतेबेले वायुमंडल रे वायु रो चलाचल प्रायतः स्थिर रही, एवं विभिन्न उत्सरु जेते परिमाण रो प्रदूषित पदार्थ वायु को निर्गत होउछि, एवं दीपावली दिन जेते परिमाण रे बाण फुटा जाउछि, आपण जहा जहा उत्स कथा सब उपस्थापन कले से सब सहित दीपावली रो बहु संख्या रे बाण फुटेबा कार्यक्रम सेथिरु जो प्रदूषित पदार्थ निर्गत होउछि एवं वायुमंडल को समस्त विषाक्त पदार्थ आसीगला पर सूर्य आलोक सब भितर प्रतिक्रिया हुए, रिएक्शन हुए, जहाँकि परिणाम स्वरूप स्मग स्मोक आउ फग मिसिक्री स्मग धुआंया वायुमंडल सृष्टि हुए। विजिबिलिटी बा दृश्यमानता जथेष ह्रास पाए, एवं लोक माने विभिन्न प्रकार रोग रे विशेष भाव रे श्वासक्रिया जनित रोग रे प्रपीड़ित होती। विभिन्न उत्सरु जो जो प्रदूषण पदार्थ निर्गत होउछि आमे समस्ते ए विषय अवगत अछे, आपण खूब सुंदर भाव रे ताकु वर्णना कर सारे। किंतु समस्या होउछि जेतिके कार्यक्रम ग्रहण करा कथा, विशेष भाव रे दीर्घस्थायी कार्यक्रम दिल्ली रे ग्रहण करा कथा सरकार तरफ रु
जेभली कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम आरंभ हो विगत 3 वर्ष तलु एवं वर्तमान प्रत्येक दिन जो जो उत्सरु प्रदूषित पदार्थ वायुमंडल को निर्गत ताकु होभि रोक केतोटी पदक्षेप मु कहिबी जेभली कि जानवाहन कथा आपण कहिले जदि आगामी दिन में अधिक रु अधिक संख्या रे इलेक्ट्रिक व्हीकल बा विद्युत चालित जान दिल्ली में चलाचल करिवो ताहाले निश्चित भाव प्रदूषण मात्रा किसी कम हम जेभली कहले तापज विद्युत केन्द्र अच्छी जोटी कोईला जाड़ी विद्युत शक्ति उत्पादन होगुड़ बंद कर बदल में सौर शक्ति कि विद्युत शक्ति उत्पादन हम पवन शक्ति उत्पादन हम अन्न्य विकल्प शक्ति उत्स अधिक गुरुत्व प्रदान कोईला जाणी को आम बंद करवा पेट्रोलियम डीजेल जाणी आस्ते आस्ते ह्रास पाइब पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बहुत सुदृढ़ करा जीवो एवं इलेक्ट्रिक जान टाउन बस हिसाब से चलो एवं जो जो अन्यान्य कलकारखाना छोटमोट रही जो अधिक प्रदूषण सृष्टि होची पुराना टेक्नोलॉजी को जो माने व्यवहार करचंती जो जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान रही आ विशेष भाव में आम देश में आउ गोटे मुख्य समस्या सहर मानक निर्माण कार्य वर्ष सारा को चली थाए से गोड़ी बाली सीमेंट इत्यादि सब व्यवहार करा जाए रास्ता ऊपर को बड़का जिनस चली आसे एवं गाड़ी चलवा फल से भांगिकी छोट छोट कणिका पदार्थ वायुमंडल को निर्गत हुए जोटा को आम पीएम 2.5 बा पीएम 10 हिसाब से मापी था से अनुसार केते परिमाण प्रदूषण घटी आम जानू एबे तो सीभीयर स्तर रे रही वायु प्रदूषण तेणु आगामी दिन में समस्त गुरु दायित्व नैतिक दायित्व हूँ सरकार हूँ विभिन्न गोष्ठी हूँ जनसाधारण हूँ समस्त कर्तव्य हूँ कि भाव में निजे बसवास करथुबा परिवेश को सुरक्षित बिल्कुल अर्थ आपण को मत रे चुटकी रे प्रदूषण हम मुकाबला करि परिमा प्रदूषण कम करि परिबा नाही अर्थ एहार दीर्घस्थायी गोटे पदक्षेप नेवा मते आवश्यक पडुचे आम सो जोड़ी होचन डॉक्टर अशोक चौधरी अछंती वरिष्ठ चिकित्सक दिल्ली रु आम सो जोड़ी होचन फोन लाइन रे अछंती अशोक सर आपण को स्वागत करुचे हुए तो एहा हम द्वितीय थोर हम आलोचना करुचे एथि पई ते आगुरु मध्ये आलोचना करथिले जे दिल्ली रो वायु केते विषाक्त होई जाइछे वर्तमान एमिति समय आसीछि जे जेतेबेले कोरोना समय रे लोके मास्क पिंधुतुले एबे सुप्रीम कोर्ट मध्ये उद्वेग प्रकाश करथिले जे वर्तमान एमिति वायु प्रदूषण होइछि दिल्ली रो जे घरे थाई मध्ये लोके मास्क परिधान करुछन्ते द्वितीय कथा हला गुरुत्वपूर्ण कथा कोरोना पई लॉकडाउन होइथिला वर्तमान एमिति स्थिति उपजिछि प्रदूषण पई वर्तमान लॉकडाउन सपक्षरे अछन्ते दिल्ली सरकार अपन दिल्ली रे रहउछन्ते वायु वर्तमान केमिति अछि सर हां वायु तो देखिले जणा पडिबो नाही बट जो अर्ली मॉर्निंग आउ इवनिंग रे जो पूरा दूसरा धूली भाया पूरा आवरण हो जाऊ बाकी है जिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट जिन गुटा कहले कि आज आम का रिपोर्ट 471 आसला एयर क्वालिटी इंडेक्स तो ये सब जिन जो हूँ यार प्रथम कारण हूँ मनुष्यकृत लॉकडाउन आप व्यवस्था कहले लॉकडाउन टा हूँ सब दिवाली क्रैकर जो आसा कौन कि नडा जो क्षेत्र जा सदा बेले रही आमर है फुएल्स है जो वेहिकल्स रु है इंडस्ट्री रु है आमर जो बर्ज्य वस्तु वेस्ट डिस्पोजल को बंद कर खोल गला सब जिन हो तो ये सब जिन मेन कारण अच्छी सदा बेले ही रही तेणु आम कमी कंट्रोल करा ना लॉकडाउन रो बेस किसी डॉक्टर चौधरी देखिए सरी अटकेब चाहिए टी सर एक शुणु जो आम दिवाली समय पर दिवाली पर वायु प्रदूषित होगा तापर परवर्त समय नड़ा पोड़ा जाए कहगला कि नड़ा पोड़ा द्वारा 10% मात्र प्रदूषित हो दिल्ली वायु यह एक गुरुत्वपूर्ण कथ अर्थ आम अगर दिगक नहीं चलिया आवश्यक पड़ी जिते बड़े एयर क्वालिटी इंडेक्स एक्यूआई 400-500 पार रहुतुला किंतु वीकेंड समय रे ताहा कमी जाइछि तळु खसीगला एहारु एथरु ही उद्भूत करि होउछि कि जदि जेहेतु वीकेंड रे लोक माने टिके रही गले घरे रहिले ता फल रे गाड़ी मोटर जिबा आसबा कमी गला एथि पई आमे कहि परिबा जे लॉकडाउन हेले अंततः पक्के टिके सुधुरि जीव स्थिति आ गया सेटा
ସେଇଟା ତ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ନା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନ୍ତୁ ସେ ଦିୱାଲି ହେଲା ଖରାଲି ଯୋଉ ନଡା ହେଲା ସେଇଟା ଯୋଉ ବିଲୋ 10% ବଟ୍ 90% ଯୋଉ ହେଲା ଅଲଗା କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆଉ ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆମର ଭେହିକିଲ୍ ର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ଏମିସନ୍ ହଉଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଡିଜେଲ ତେଣୁ ଯୋଉଟା ଆପଣ ରାଇଟଲି କହିଲେ କି ୱିକେଣ୍ଡ ରେ କମୁଛି ତ ସେଇଟା ତାର କିଛି ରହୁଛି ଡେଫିନେଟଲି ବଟ୍ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଲା କି ଆମେ ଯୋଉ ଲଣ୍ଡନ ରେ କରିବା କି ଗାଡି ମଟର ମୁଭମେଣ୍ଟ ନ ହବ ତ ଏଇଟା ବି ଆମକୁ ଇକୋନୋମି ସହିତ ଆଉ ଡ୍ୟୁରେସନ କୋଭିଡ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ପିରିୟଡ ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଆପଣ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତମେ ଲକଡାଉନ କେତେ ଦିନ କରିପାରିବା ତେଣୁ ଏବେ ଆମକୁ ଦରକାର ଲକଡାଉନ ସହିତ ଆମର ଯୋଉ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ଲାନ ଟାକୁ ରେଡି ହବାର ଅଛି କି ଆମର ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଭେହିକଲ୍ସ କି ତାଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିବ ଭେହିକଲ୍ସ ଏମିସନ ସିଷ୍ଟମ ରହିବ ସେଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଭେହିକଲ ହିସାବରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କେତେ ଅଛି ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେଗୁଲେସନ ରହିବ ତାପରେ ଥାର୍ଡ ହେଲା କେତେ ଖାଲି ଭଡ଼ା କଥା ନାହିଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସହର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଉ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଫୋପାଡ଼ିବା ତାକୁ ଜାଳିବା ସମଷ୍ଟିଗତ ଦିଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ନଡା ବା ଦିୱାଲି ବାଣରେ ଯେତିକି ପଲ୍ୟୁସନ ହେଉନି ଆମର ଯୋଉ ଗାଡି ଚଳାଚଳ କଥା କହିବା ଆମର ନିଜର ସଚେତନତା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦିଲ୍ଲୀ ବାୟୁ ବେଶୀ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି ଆମେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏକ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯିବା ବିରତି ପରେ ସ୍ୱାଗତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଦିଲ୍ଲୀ ପବନରେ ବିଷ ଆମ ସହ ରହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପରିବେଶବିତ୍ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ ଚୌଧୁରୀ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସକ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବାସିନ୍ଦା ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଫେରିବା ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସାର୍ ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେବା ଆମ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶୀଲ ପାଣ୍ଡେ କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି में प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार दिल्ली सरकार से तीखे सवाल किए। बहरहाल मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण को रोकने के लिए अपने जो कदम उठाए हैं उसकी जानकारी दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए ये कहा कि ये तमाम जवाब जो हैं वो कागजों पर हैं। जमीनी हकीकत प्रदूषण को रोकने के लिए सरकारों के द्वारा क्या उठाया गया है वो बताएं। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी गई कि डस्ट एक बड़ी वजह है, हालांकि उसको रोकने के लिए सड़कों पर मशीनें चलाई जा रही हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सीधे सवाल किया कि क्या 69 मशीनें जो दिल्ली में चल रही हैं उससे प्रदूषण दिल्ली में रुकेगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की तरफ से लॉकडाउन लगाने की भी बात कही गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो कदम उठाया जाना चाहिए वो फिलहाल नहीं उठाया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दो टूक यहां तक की भी कहा कि दिल्ली सरकार रेवेन्यू और एड पर जो पैसे कमा रही है क्या अब उसकी जरूरत है कि हम ऑडिट करने का उसे आदेश दें। बहरहाल मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट आज फिर नाराज दिखा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा राज्य के वकीलों से ये कहा कि वो अपने राज्यों के चीफ सेक्रेटरी से ये कहें कि वो वहां के किसानों से बातचीत करें और ये कहें कि वो पराली कुछ दिन ना जलाएं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से कल तक इमरजेंसी मीटिंग बुलाने के लिए कहा है और एक डिटेल हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है कि प्रदूषण को रोकने के लिए तमाम राज्य सरकारें और केंद्र सरकार ने जमीन पर क्या काम किया। बहरहाल बुधवार को दोबारा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की अहम सुनवाई करेगा। देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट की इस नाराजगी के बाद तमाम जो सरकारें हैं वो कितनी हरकत में आती हैं और प्रदूषण को रोकने के लिए सरकारें जमीन पर क्या काम करती हैं। कैमरामैन अंकित के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। ସୁଶୀଲ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଜୟକୃଷ୍ଣ ସାର୍, ଯେ ନାଖୁସ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶୁଣାଣିରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଉଭୟ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପରେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥ କାଗଜପତ୍ର ହିଁ ସବୁକିଛି ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଏକ ବୈଠକ, ଜରୁରୀ ବୈଠକ ବସିବ ଏବଂ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀର ପବନ କେତେ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ଜୟକୃଷ୍ଣ ସାର୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନ୍ୟାୟାଧୀଶମାନେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଉତ୍ସରୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପାଇ ଚାଲିଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଆପଣ କେତେ ଦିନ ଲକଡାଉନ କରିବେ? କରୋନା ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ମାସ ମାସ ଧରିକରି ଲକଡାଉନ ହେଲା, ତଥାପି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ନର୍ମାଲ ହେଇଗଲା ସବୁ ଜିନିଷ, ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, କଳକାରଖାନା ଚଳାଚଳ ହେଲା, ପୁଣି ପ୍ରଦୂଷଣ
वृद्धि पाई चलला से आम को दीर्घस्थायी कार्यक्रम हाथ को नवा को पड़ो जहाँफल जो जो उत्स रु प्रदूषण सृष्टि हो सब उत्स को किभली भाव आम बंद करवा मुझे दि चारिटा कथा कहली जमी जो कलकारखाना मान विशेष भाव में प्रदूषण कर बंद करने को पड़ो दिल्ली में इलेक्ट्रिकल जान अधिक रु अधिक संख्या चलने को पड़ो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बहुत स्ट्रंग करने को पड़ो लोक मैंने पर्सनाल वेहिकल निज गाड़ी न लेकर जदि भल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो पारा तो गले कम गाड़ी चलो रास्त जो निर्माण कार्य विभिन्न प्रकार कार्य चली जो निर्माण कार्य व्यवहृत हो मेटेरियाल कंचामाल कि रास्त न आसिक से सीमित होकर निर्दिष्ट स्थान गाड़ी तापर न चलो ए पार्टिकुलेट मैटर कणिका पदार्थ वायुमंडल को न आसब जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम आरंभ करा जाएगी ताकु ठीक भावरे परिचालित करा जीवो मॉनिटरिंग करा जीवो ये सब कार्यक्रम हेले एवं लोक मानकर सहयोग एकांत काम्य सम्मिलित भावरे प्रचेष्टा आपन गुरुत्वपूर्ण दिगगुडी को कहिले ताकु पालन करबा सहित लोक मानकर सहयोग मते आवश्यक पड़छे। डॉक्टर अशोक चौधरी सर आपन को पाकु आसीबा को चाहिबे देखंतु आपण तो ढेर दिन धरे दिल्ली आपण रहउछंती चिकित्सा क्षेत्र रे मध्ये अछंती आपण को चिकित्सागत दिग को टिके पचारे को चाहिबे किंतु आपण ता पूर्व कहि रखिबा को चाहे जेतेबेले लॉकडाउन चलथिला गत वर्ष सेतेबेले किछि फोटो वायरल हेथिला सोशल मीडिया रे देखंतु आम दिल्ली केते सुंदर देखा जाउछि अर्थ आमे आकाश को स्पष्ट भाव देखि पारुछु किंतु ता परवर्ती समय जेतो स्वाभाविक हेगला चित्र पूर्ण यथापूर्वम तथा परम अर्थ आपण दिल्लीवासी हिसाब से कौन कहिबे जे लॉकडाउन टा ही एकमात्र विकल्प कि आ जदि लॉकडाउन करबा केते दिन आगे लॉकडाउन करबा प्रदूषण वर्ष वर्ष धरी बट लॉकडाउन कमी तो इंडस्ट्री बंद था तो या व्हीकल मूवमेंट कम थिला तो आपर सर्विलेंस सिस्टम जो था माने आमर प्रॉब्लम हो जी हमें रूल करू बट तब इंप्लीमेंट करला पर फॉलो नहीं पारे तो जोटा की सरकार आपन कहले दिल्ली को सुप्रीम कोर्ट कहले कि आपन खाली कागज पत्र दे सही बड़े जिस छोटी प्रॉब्लम यदि हमें सही जिस छोटी कर पर था ने तले आज ये दिन आ सकता है। तापर सेकंड आपर जो कहले कि लॉकडाउन लॉकडाउन गोटे एक्यूट इमरजेंसी कंडीशन में करबा दीटा कारण रुपए गोटे है इमिडियटली जो सिचुएशन प्रॉब्लम से एड्रेस करने सहित रेडिनेस फॉर दि कि यही प्रॉब्लम टा आगे न बढ़ू या कम हो से लॉकडाउन तो दरकार ही ना बट जिते सब कही लॉकडाउन हो बट ये लॉकडाउन न हो कि आम खाली बस रही देखा हो जो आप कहले कि यथापर तथापर से हम आमको जदि लॉकडाउन होती पीरियड भितर आम आम सिस्टम को केमी रोबस्ट करहीकल्स मुवमेंट को कम करते डॉक्टर पाणी कहले कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट कर इंडस्ट्री एमिशन को केमी कम करवा जो कथा कहले लोक सचेतनता आवश्यक रहुचि दिल्ली में सब शिक्षित लोक रहुचंती उच्च शिक्षित लोक रहुचंती बड़ बड़ बाबू मान रहुचंती से माने भी कोनो आवश्यकता पड़ुछि से मानको सचेतन हवा आउरी आवश्यक पड़ुछि। आज्ञा सचेतन तो सदा बेले दरकार होउछि किंतु लोक जानिले पर भी नियम टाकु भांगुचंती शिक्षित हेला पर मध्य दैट इज एक दूर जिन करके जो प्रॉब्लम जो अपने कहले कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट रक्षा पे आम दिल्ली कैपिटल यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नथिबो तो सेटा को हमको नबा को पड़ो निज व्हीकल के व्हीकल मूवमेंट पड़ो तेणु गुटे जिन सचेतन भी हमारे अच्छी और सुविधा भी सेवा आपको अवेलेबल करार अच्छी पॉलिटिक्स तो ड्यूटी जगह नहल ये हूँ लॉकडाउन इज नेवर ए सॉल्यूशन तो लॉकडाउन आम पे लॉकडाउन ही न रहू लॉकडाउन आम पे गोटे प्रिपेयरनेस हो कि गोटे एक्शन प्लान जो थी हमें बाउंस बैक करी हमें जिस कंट्रोल करा देंगे रेडी हो पारे बिल्कुल। जयकृष्ण सर आपण जो कथा कहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट कथा कहले दिल्ली रे इमे देखिबा कोले मेट्रो ट्रेन चलुची ब्लू लाइन रेड लाइन बस चलुची ब्लू लाइन बस चलुची एहा परे मध्य लोक माने काही कि निजस्व व्यक्तिगत व्हीकल उपर निर्भर करंती कारण आगुरु मध्य दिल्ली सरकार केजरीवाल सरकार अड इवन मध्य जारी करथिले तार कोन सुफल पड़ नथिला
ना जी आवश्यक ए प्रदूषण को रोकवाई से परिमाण पदक्षेप ग्रहण करना जो थी एत स्तर को जाइए प्रदूषण मात्रा सीभीयर स्तर को जाइए प्रदूषण मात्रा जहाँ आम बर्तमान देखुचे प्रायतः दिल्लीर का आम आलोचना करूँ जे 200 तलू को आने जोटा कि दिल्ली परिप्रेक्षी में असंभव बोध हो सब बेले 400 ऊपर रोची AQI बा वायुर गुणात्मक मान से परिप्रेक्षी में अनेक गुड़िए स्ट्रंग पदक्षेप ग्रहण करा दरकार जो कथा डॉक्टर चौधरी टिके आगुरु कहते अनेक स्थान में आम देखुचे वर्ज्य पदार्थ विभिन्न उत्सर घर उत्सर हो व्यावसायिक उत्सर हो कलकारखाना हो ये सब बाहर जमिक रोचे जोटा कि परवर्ती समय प्रदूषण आउ गोटे मुख्य उत्स हो आम जी गुरुत्व दबा कथा से गुरुत्व दौना निर्माण उत्स हो जो वर्ज्य पदार्थ उत्स हो जानवाहन हो कलकारखाना हो सब उत्सर सम्मिलित भाव में बहुत परिमाण प्रदूषित पदार्थ वायुमंडल को निर्गत होते वायुर गुणात्मक मान में अवनति घटू तेणु आगामी दिन में आम समस्ते सचेतन हवा दिल्लीर जनसंख्या दृष्टि आप जो कथा कहले जे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेट्रो रेल चली ब्लू लाइन बस चली जथेष नुह आहरी अधिक पदक्षेप आगामी दिन में यह सब विद्युत चालित हवा दरकार बिल्कुल सर को देखो गोटे कथा केवल दिल्ली गोटे मेट्रोपॉलिटन सिटी नुह अनेक बड़ बड़ सहर रही आपंकर बेंगलोर कथा कहतु मुंबई कथा कहतु सब प्रदूषण मामला आसे दिल्ली कहीं आगे टाणी हो जाए आज्ञा बर्तमान विश्व में देखा गले टप्रे रोच दिल्ली प्रदूषण तालिकार दिल्ली सहर दिल्लीर भौगोलिक अवस्थित से भाया अच्छा ये बहुत उत्तर अच्छी हिमालय पाखापाखी अच्छे ये अधिक थंडा रोचे एवं शीत दिन में विशेष भाव एटी वायु चलाचल प्रायतः बंद रही था तेणु जिते प्रदूषित पदार्थ विभिन्न उत्सर वायुमंडल को निर्गत होगुड़क आउ पवन थी से चारिपट को चली जाता डायल्यूट हो जाता एत मात्रा रहा ना जोटा कि पवन रति बंद हो शीत दिन नवेम्बर मसरे ये मात्रा जथेष वृद्धि पाई ये सब कु विचार करिकरी वर्तमान सरकार मुख्य लक्ष्य हवा दरकार दीर्घ सूत्री कार्यक्रम हाथ को नेबे गोटे पांच दिन बंद करदे कि समस्या समाधान हवा जाऊना से दीर्घ सूत्री कार्यक्रम प्रथम आईडेटिफाए करने को चिन्हट करने को पड़ो कौड़ाक पॉइंट सोर्स अच्छी निर्दिष्ट उत्स अच्छी जो थ्रु बहुत परिमाण में प्रदूषण होनेक गुड़िक नन पॉइंट सोर्सेस अच्छी अनिर्दिष्ट उत्स जानवा कष्ट किंतु पॉइंट सोर्सेस निर्दिष्ट उत्स जो थ्रु प्रदूषण हो चली प्रश्न रही तो ढेर दिन धरी दिल्ली में बसवास करती आप कार्यस्थल दिल्ली में रही शेष थर पर वायु टी भल थी आज्ञा कहीपरि आपर कैमेरा भी फोटो भी नहीं आकाश से देखा पूरा धला दूसर जोटा से पूरा खेल ही रोला आते भी एयर क्वालिटी जो भी मान रही से किलो 200 आसी तो ट्रांजेंटली जिते बड़े ये सब जिनस जोटा सर कहते आम डॉक्टर पाणी कहते कि वेहिकल मुवमेंट है इंडस्ट्री बंद थी आमर पॉल्यूशन जो गजवस्तु बाहर यूज कर कम थी तो ये सब जिनसे तार लोएस्ट को जाऊँगी से तो ये एपिसोडिक किसी प्रॉब्लम है बड़े ही थी तो केवल से मासिक लॉकडाउन केवल लॉकडाउन होता कोविड समय विगत मुझे रहा दशमश भितर तो से पीरियड ही आम सब इफेक्टिवली देखी थे कि वायुमंडल सुस्थ था डॉक्टर चौधरी आपण जेतु चिकित्सा क्षेत्र में अच्छा वरिष्ठ चिकित्सक आपंकर जो चिकित्सा दिग को टी आलोचना करवा आप देखु कोविड अनेक लोकों भितर विभिन्न प्रकार रोग बर्तमान बसा बांधि यह भितर पल्यूटेड एयर को नहीं कि लोक रोग से पड़ुंट बर्तमान दिल्ली चिकित्सा मानने रोगी संख्या केमी कौन रही सूचना देवे कि वर्ष को 52,000 मान अध लक्ष अधिका एयर पॉल्यूशन जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिजीज अफेक्टेड होता प्रथम तार जो तार प्रथम रोग हिसाब से अफेक्ट होती आम रेस्पिरेटरी सिस्टम जो श्वास प्रश्वास प्रक्रिया जनित रोग ही होमन है आस्थमा आलर्जी टेंडेंसी
आपरे काफी लोक मान लंग कैंसर भी रोचे तापरे रोज आम ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन आई ड्राइने आखिर पानी दवा एसबू जिन भितर हो तो पॉल्यूशन हिसाब से सब मोस्ट इंपोर्टेंटली हूँ जो डिजीज से लंग्स विषय जमी आप कहते कि मास्क आगु थी कोविड एवं दिल्ली में यह एटमोसफियर रे मास्क दरकार हम एयर पॉल्यूशन कि आमर ये पार्टिकल्स नजर आहरी गोटे जिनसा जो आप कह कि एयर पार्टिकल जो साइज आम कहू पीपीएम 2.5 एंड 10 और 1 एमएम ये दिन दिन साइज पार्टिकल बढ़ी चली आई अधिका ही रोग को आहरी अधिक घनीभूत करते हैं जिते बड़ पार्टिकल हुए आम ब्रेदिंग गला लंग्स में बसवास करती आईटा से निश्वास नली रोग जनित रोग को बढ़े था मे भी कैंसर है पारे आत्मा है पारे ये बहुत खतरनाक जिन जोटा की छोट छोट नहीं वयस्क लोक को होंडाइट इफेक्ट हिसाब से स्किन रोग है आई रोग है बॉडी रो हार्ट उपरे बिल्कुल अर्थात बर्तमान अजना जना पड़ूना कि अनेक रोग में पड़ुं जैसे संक्षेप में जानवाक चाहिए जो अंत पक्षे बर्तमान परवर्त समय जो समय मागिंट सरकार बैठक जरूरी बैठक अच्छी बैठक में कौ दिग्क आलोचना करने आवश्यक पड़ी मुझे कहली खाली देखो आप तो वायु प्रदूषण विषय में अनेक आलोचना कले सहित तो जमुना नदी जल प्रदूषण कथा भी अच्छी ए विषय आम अनेक समय आलोचना करुचे वायु प्रदूषित जल प्रदूषित मृत्तिका प्रदूषित शब्द प्रदूषित सब प्रकार प्रदूषण चली तेणु ये गंभीर विषय को दीर्घ सूत्री कार्यक्रम मध्यम किभली समाधान बाहर करहब से विषय अधिक वैज्ञानिक मान सहायता निया दरकार कौन कौन पदक्षेप हम से गोटे सम्मिलित प्रयास आवश्यकता रही दीर्घ सूत्री कार्यक्रम आवश्यकता रही समस्त आवश्यकता रही आगामी दिन में उभय केन्द्र सरकार और दिल्ली स्थानीय सरकार सम्मिलित भाव में पदक्षेप ग्रहण कर दरकार कौन कौन पदक्षेप निजी विभिन्न एक्सपर्ट मान सहित आलोचना मध्यम एभली कार्यक्रम हाथ को ने आम आशा करवा आगामी दिन में आमे किछि परिमाण रे सक्षम हवा बिल्कुल अर्थ सम्मिलित पदक्षेप निया दरकार प्रदूषण को नहीं राजनीति न करबा दरकार एवं निहति भाव में समस्त समष्टिगत पदक्षेप द्वारा ही आम अंत पके दिल्ली वायु जो विष रही सुधार आनी पार अंत पके आम शुद्ध वायु टिके नहीं पार दिल्ली बासिंदा हिसाब से धन्यवाद जयकृष्ण पाणीग्राही सर परेशविद अशोक चौधरी सर वरिष्ठ चिकित्सक आलोचना करुते अंत पके बर्तमान आम समस्त दायित्व रही दिल्ली बासिंदा हिसाब से आम कि भाव में आम वायु को सुरक्षित रखिपरिया भल रखिपरिया समस्त रुचि न्यूज 18 स्पेशल नमस्कार।